लीजिए प्रेमियों ये रागनी हंसा देहाती रागनी चैनल के माध्यम से आपके बीच में रामायण की और उस समय की रागनी कि जिस समय वो लंकपति राजा रावण सीता का हरण करके लंका के अंदर ले आता है और जब रानी मंदोदरी को इस बात का पता चला तो मंदोदरी ने जाकर के रावण को समझाया लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी। तो विभीषण के पास में खबर पहुंचवाती है और विभीषण को अपने महलों में बुलवाती है। विभीषण पहुंचता है, किस तरह से दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। भाभी मंदोदरी के श्री चरणों में उसके देवर विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी आज अचानक एकदम से मुझे बुलवाया है महलों के अंदर, आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। बात? हाँ। मतलब तुमको बात का पता नहीं है? मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है। सारी लंका में तो बवाल मचा पड़ा है, तुम्हें बात की पता नहीं है? लेकिन भाभी ऐसी क्या बात हुई? बात नहीं, अरे ना जाने क्या क्या हो गया इन महलों के अंदर, इन दरबारों के अंदर, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। भाभी जानना चाहता हूँ मैं। खोल के पूछ। मुझे खोल बता दे बात हो भाभी, क्यों बुलवाया महल में, मुझे खोल बता दे बात हो भाभी, क्यों बुलवाया महल में। राज का हो नाश देवर।
भाभी हाँ, जब तक तेरा ये देवर विभीषण इस लंका के अंदर है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बुलवाया है तुझे आज। अच्छा हाँ, तो मैं तेरी सारी कष्ट हरने की कोशिश करूंगा। कितना आसान दिया।